दोस्तों, मुंह के अंदर कई तरह की गांठें या कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जो कि कैंसर नहीं होते हैं, और कई बार कुछ लोगों के मुंह में कुछ ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं के मुंह में दिखाई देते हैं, बाकी लोगों के मुंह में नहीं होते हैं। ऐसे में इस तरह की गांठों या स्ट्रक्चर्स को देख करके अक्सर पेशेंट परेशान होने लगते हैं कि कहीं उनके गले में कोई कैंसर की गांठ तो नहीं बन रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मुंह के अंदर वो कौन से ऐसी गांठें या धब्बे हैं जो कैंसर नहीं होते हैं, जिनसे हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले समझते हैं कि मुंह के अंदर वो कौन से नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी किसी के गले में दिखते हैं और जो कि कोई बीमारी नहीं होते हैं। जैसे कि हाई एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस हमारे एयर विंड को यानी कि सांस के रास्ते को कवर करने के लिए होता है। कुछ लोगों में ये गले के पीछे दिखाई देता है, जिनमें ये थोड़ा ऊपर होता है, तो ये नॉर्मल है, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, सर्कमवेलेट पैपिला, ये जीभ के किनारे लाइन से दाने होते हैं, ये भी नॉर्मल होते हैं। नंबर 3, फोलिएट पैपिला, जो जीभ के किनारे की साइड के किनारे पे होते हैं, कुछ लोगों में ये थोड़े लंबे कट्स जैसे दिखाई देते हैं, जिनको देख करके पेशेंट परेशान होते हैं, तो इनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, टॉन्सिलर सिस्ट या टॉन्सिलर स्टोन, टॉन्सिल के ऊपर कोई झिल्ली जैसा मांस दिखाई देना या फिर टॉन्सिल के ऊपर पीले कलर का या सफेद कलर का कोई स्टोन यानी पत्थर बन जाना। जियोग्राफिकल टंग, जिसमें जीभ के ऊपर कुछ धब्बे निशान अलग अलग जगहों पे बनते रहते हैं। एंड नंबर 6, फिशर्ड टंग, जिसमें जीभ के ऊपर गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो ये सब नॉर्मल या फिर छोटी मोटी परेशानियां हैं, जिनको देख करके आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन गांठों की जो मुंह के अंदर पाई जाती हैं लेकिन कैंसर नहीं होती हैं। नंबर 1, रिटेंशन सिस्ट या म्यूकोसील, ये जनरली होंठ पे पाई जाती है, जो कि जो सलाइवा यानी दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है उसमें सलाइवा इकट्ठा होने की वजह से होती है। इस पे एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। नंबर 2, डर्मॉइड। नंबर 3, हेमेंजियोमा, जो कि खून की नसों का गुच्छा या गांठ होती है। नंबर 4, पैपिलोमा इत्यादि। तो ये सारी गांठें मुंह के अंदर पाई जाती हैं लेकिन ये सब बेनाइन होती हैं, इनमें कैंसर की कोई क्षमता नहीं होती है। ये सारी गांठें देखने में स्मूथ यानी चिकनी होती हैं और टच करने पे ये सॉफ्ट होती हैं। इनमें मैक्सिमम केसेस में सर्जिकली इनको रिमूव करने की हटाने की जरूरत होती है, तो इस तरह की गांठों को देख करके बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुंह के अंदर कुछ तरह के धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें हम प्री कैंसरस लीजन कहते हैं। ये धब्बे सफेद हो सकते हैं, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, या लाल हो सकते हैं, जिसे हम एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, या फिर पूरे मुंह की खाल सफेद हो सकती है, जिसे हम ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से कैंसर की आने वाले समय में चेतावनी हो सकती है, लेकिन इनमें कैंसर नहीं बना होता है, इनको देख करके कैंसर से डरने की जरूरत नहीं होती है। प्री कैंसरस लीजन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह की गांठें और धब्बे देख करके मुंह के अंदर बिल्कुल मत डरिए। हाँ, लेकिन जब भी मुंह के अंदर कैंसर की शुरुआत होती है तो वो एक छाले से यूजुअली शुरू होती है, और जो कैंसर के छाले होते हैं वो शुरू में पेनलेस होते हैं, उनमें कोई दर्द नहीं होता है, वो घाव समय के साथ भरता नहीं है, लगातार बना रहता है और समय के साथ बढ़ता जाता है, और उसका जो सरफेस होता है वो खुरदुरा होता है और टच करने पे वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो इस तरह के छाले अगर मुंह में है और पेशेंट अगर साथ ही साथ टोबैको या बीड़ी तंबाकू का सेवन भी करता है, तो ऐसे में पेशेंट को अपने नजदीकी ENT डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो रूल आउट कर सके कि कहीं मुंह के अंदर कोई कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं शुरू हो गई। याद रखिएगा कि कैंसर का बेहतरीन इलाज उसके शुरुआती स्टेज में हो पाता है, और मुंह के अंदर के कैंसर को शुरू में पहचानना बहुत ही आसान होता है। ऐसे में इस तरह की छोटी मोटी परेशानियों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मुंह के अंदर जो यूजुअली हमें नहीं दिखती हैं लेकिन किसी किसी के गले में हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपके डॉक्टर आपको एश्योर करते हैं कि आपके मुंह में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो ऐसे में आप रिलैक्स हो जाइए और अननेसेसरी का अपने दिमाग में कैंसर का वहम ना पालिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।